हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन नीडेड टू मेक अस हैप्पी एज तो ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स में ये आपने पढ़ा होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है नीड होती है कि कोई किसी को भी हैप्पी हो सके किसी को हैप्पी किया जा सके तो वो कौन सी कंडीशन होती है पहला है ऑप्शन ए राइट अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन बी राइट यूटिलाइजेशन ऑप्शन सी राइट गाइडेंस ऑप्शन डी राइट डायरेक्शन तो देखिए क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं एक ऑप्शन करेक्ट होगा बाकी ऑप्शंस आपको इसकी जगह कोई और ऑप्शन भी दिए जा सकता है जो नहीं की सेम ऑप्शन अवेलेबल हो लेकिन हाँ जो भी ऑप्शन होंगे उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन नीडेड टू मेक अस हैप्पी इज अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो राइट right अंडरस्टैंडिंग है क्या है राइट अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि राइट right अंडरस्टैंडिंग है तो कोई भी इंसान जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है किसी को भी हैप्पी करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर टू है लाइफ मोटिवेटेड बाई ओनली फिजिकल फैसिलिटी लीड्स टू यानी कि अगर कोई लाइफ है किसी की लाइफ है वो मोटिवेटेड है बाय ओनली फिजिकल फैसिलिटी यानी कि उसको लगता है कि सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी मेरे पास होगा तो लाइफ हो सकती है तो वो किस तरफ वो वो लीड करेगा तो ए है ऑप्शन एनिमल कॉन्सियसनेस बी है ह्यूमन कॉन्सियसनेस सी है चाइल्ड कॉन्सियसनेस डी है मोटिवेटेड कॉन्सियसनेस तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है तो कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई भी लाइफ जो कि मोटिवेटेड होगी फिजिकल फैसिलिटी से तो किसको लीड करती है करेक्ट ऑप्शन ए एनिमल कॉन्सियसनेस यानी कि एनिमल क्या है एनिमल को सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए होता है लेकिन ह्यूमन को क्या है फिजिकल फैसिलिटीज के साथ साथ दूसरा भी चाहिए होता है राइट अंडरस्टैंडिंग तो ये चीजें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री स्पेस यानी डैश मीन्स फिजिकल फैसिलिटीज मोर देन टू सेटिस्फाई माई नीड यानी कि नीचे में जो ऑप्शन अवेलेबल है उसका मतलब होता है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ मोर देन टू सेटिस्फाई माई नीड्स यानी कि वो ऐसी फीलिंग होती है जिसका मतलब होता है कि फिजिकल फैसिलिटीज जितने हमें चाहिए उससे ज्यादा हैं तो ऑप्शन ए प्रॉस्पैरिटी ऑप्शन बी हैप्पीनेस ऑप्शन सी सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड ऑप्शन डी राइट अंडरस्टैंडिंग तो इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है यही मतलब भी होता है प्रॉस्पैरिटी का कि प्रॉस्पेरिटी मीन्स फिजिकल फैसिलिटीज़ मोर देन टू सेटिसफाई माई नीड्स यानी कि जितनी मेरी नीड्स को सेटिसफाई करने के लिए फिजिकल उससे ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है? कहलाता है? Question number four है। है material, तो self और दूसरा वो कौन सा चीज है जो कि डिफरेंट है नेचर में मैट्रिटी में नीड्स में और एक्टिविटीज में तो आप ऑप्शन है बॉडी बी ऑप्शन है आई सी ऑप्शन है हैप्पीनेस एंड डी ऑप्शन है प्रॉस्पैरिटी तो सेल्फ के साथ दूसरी कौन सी चीज़ है जो कि दोनों आपस में डिफरेंट है मेट्रेलिटी की नेचर वाइज भी डिफरेंट है मेट्रिलिटी वाइज डिफरेंट है नीड्स की दोनों की डिफरेंट है और एक्टिविटीज़ भी दोनों की डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है आपने पढ़ा है सेल्फ एंड बॉडी जी हाँ सेल्फ एंड बॉडी तो दूसरा जो आंसर है इसका ऑप्शन ए है बॉडी सेल्फ एंड बॉडी आर डिफरेंट इन नेचर मेटरियलिटी नीड्स एंड एक्टिविटीज सेल्फ की अलग एक्टिविटीज़ हैं अलग नीड्स हैं अलग एक्टिविटीज़ हैं अलग नेचर है वहीं पे बॉडी की अलग नीड्स है अलग नेचर है अलग एक्टिविटीज़ हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है सुख एंड डैश बोथ हार नीडेड एंड कैन नॉट बी रिप्लेस ईच अदर तो सुख के साथ दूसरा कौन सा चीज़ है जो कि दोनों की जरूरत पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ए ऑप्शन ए सुविधा ऑप्शन बी हैप्पीनेस ऑप्शन सी प्रॉस्पैरिटी एंड ऑप्शन डी दुख तो सुख के साथ वो दूसरा कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो कि दोनों ही जरूरी हैं और दोनों ही रिप्लेस नहीं हो सकते हैं तो यस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यानी कि सुविधा सुख और सुविधा दोनों ही नीडेड होती हैं लाइफ में और दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं सुख एंड सुविधा बोथ आर नीडेड एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ईच अदर क्वेश्चन नंबर सिक्स है डैश इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एक्शन एंड फंक्शन सक्सेसफुली यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक ऐसी चीज है जो कि वो एबिलिटी है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक यानी किसी भी स्पेसिफिक टास्क को एक्शन को फंक्शन को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए वो एबिलिटी होती है तो ऑप्शन ए है कंप्यूटेंस ऑप्शन बी है परफॉर्मेंस ऑप्शन सी है बिहेवियर एंड ऑप्शन डी है एटीट्यूड तो इन चारों में से कौन सी चीज का मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एक्शन और फंक्शन सक्सेसफुली तो करेक्ट ऑप्शन इज ए कंप्यूटेंस कंप्यूटेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेशल स्पेसिफिक टास्क एक्शन एंड फंक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी में ऑप्शन ए आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी में ऑप्शन ए से वो ऑप्शन नीचे ऊपर भी हो सकते हैं जो एग्जाम में आएगा यहां पे हमने सहूलियत के लिए सभी में ऑप्शन ए को करेक्ट करके रखा हुआ है नंबर no. सेवन है रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आर नीडेड ऑफ द आर नीड ऑफ द डैश यानी जो रेस्पेक्ट है और ट्रस्ट है वो नीड है किस चीज के सेल्फ के ऑप्शन बी बॉडी के ऑप्शन सी माइंड के ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग के अभी आपने पीछे क्वेश्चन भी देखा कि सेल्फ और बॉडी दोनों की क्या है नीड्स डिफरेंट है तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है सेल्फ और बॉडी यहाँ तो आप क्लियरली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों में से कोई सी एक की नीड होगी तो रेस्पेक्ट और ट्रस्ट किसको चाहिए होता है बॉडी को चाहिए होता है सेल्फ यानी आई को चाहिए होता है हमारे माइंड को चाहिए होता है हमारी समझदारी को चाहिए होता है तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट क्या है वो नीड होती हैं सेल्फ के आई की नीड होती है क्वेश्चन नंबर एट है फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ माई बॉडी माई प्रोग्राम इंक्लूड जो बॉडी की नीड होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोग्राम होता है वो इंक्लूड करता है पहला जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है चार ऑप्शन में से दूसरा है प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ यानी कि पहला जो आपको ऑप्शन ढूंढना है प्रोडक्शन ऑप्शन ए है बी डिस्ट्रीब्यूशन सी प्रोटेक्शन डी प्रेजेंटेशन तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि सही होगा और फिर right प्रोटेक्शन राइट ये तीन चीज़ें हैं जो कि फिजिकल फैसिलिटीज़ का अगर आप सही से करेंगे तो जो बॉडी की नीड्स होती हैं वो सेटिसफाई की जा सकती हैं तो फॉर सेटिसफाइंग द नीड ऑफ माई बॉडी माई प्रोग्राम इंक्लूड डैश प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ़ फिजिकल फैसिलिटीज़ तो ऑप्शन ए प्रोडक्शन होगा ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑप्शन सी प्रोटेक्शन होगा या फिर ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन होगा तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रोडक्शन तो फॉर सेटिसफाइंग द नीड ऑफ़ माई बॉडी माई प्रोग्राम इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज तो जो, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है उसको प्रोड्यूस करना उसको प्रोटेक्ट करना और राइट यूटिलाइज करना ही जो है बॉडी की नीड्स को फुलफिल करेगा सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन नंबर नाइन है द नीड ऑफ द सेल्फ आर डैश एंड नॉट इंटरमिटेंट तो जो नीड ऑफ सेल्फ है वो क्या है और वो इंटरमीडियंट नहीं है तो ऑप्शन आपको है ऑप्शन ए कंटिन्यूअस जो नीड ऑफ द सेल्फ आर कंटिन्यूअस या द नीड ऑफ द सेल्फ आर परमानेंट या द नीड ऑफ द सेल्फ आर टेम्प्रोरी या फॉर द नीड ऑफ द सेल्फ आर रेगुलर तो यह ऑप्शन है ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो ऑब्वियसली द नीड ऑफ द सेल्फ आर क्या है कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस एंड नॉट इंटरमीडिएट टू द नीड ऑफ द सेल्फ आर कंटिन्यूअस ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन ए लाइफ कंट्रोल्ड और लिफ्ट बाई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड यानी कि कोई ऐसी लाइफ जो कंट्रोल्ड या जी जाती है बाई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बेसिस पर जी जाती है कोई लाइफ तो उसको आप क्या कहेंगे ऑप्शन ए इज वणतंत्र ऑप्शन बी स्वतंत्र ऑप्शन सी प्रजातंत्र या फिर ऑप्शन डी षडयंत्र तो ऑप्शन है आपके पास तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक लाइफ जो कि कंट्रोल या लिव यानी जिया जाता है किसी दूसरे फैक्टर से किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए परतंत्र यानी कि किसी दूसरे के बेसिस पे किसी एक्सटर्नल चीजों के बेसिस पे जब कोई जीता है कोई कंट्रोल uh, होता है तो उसको हम क्या कहते हैं परतंत्र होना यानी कि अपना कंट्रोल किसी दूसरे चीज़ों पर दे देना तो परतंत्र तो इस वीडियो में ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के इतना ही क्वेश्चन आगे हम और टेली बेसिस पे नए नए क्वेश्चन लेते आएंगे एमसीक्यू बेस्ट विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू